दिखाते हैं कौन कौन से बर्ड मौजूद हैं, थोड़ी सी आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी दिखाते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ प्रेम भाई मौजूद हैं, यहाँ के सेटअप के मामला देखते हैं माशाल्लाह से। भाई कैसे हैं आप, खैरियत से? हाँ खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मजे में आप दिखाए हमें क्या क्या पेयर्स मौजूद है यहाँ पर। ये बच्चे, अच्छा इस पेयर ने ब्रीड करी हुई, कौन सा पेयर है व्यूअर्स? ये पेयर मौजूद है। असल में व्यूअर्स बच्चे जो है ना वो तमाम बॉक्सेस में घुमाए हुए हैं, फॉस्टिंग पेयर्स भी मौजूद हैं, तो जरूरी नहीं है जो पेयर हो आपको उसी के बच्चे बॉक्सेस में दिखें। ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, इसमें रेम्बो होगरोमो के बच्चे हैं, लोटिनो के बच्चे हैं, डेस्विंग का बच्चा है, ये स्पेंगल का बच्चा मौजूद है, मुख्तलिफ बच्चे एक बॉक्स में मौजूद है। अच्छा ये जो बच्चे हैं ये है ब्लैक फेस स्प्लिट ब्लैक विंग और ब्लैक विंग स्प्लिट ब्लैक फेस। बच्चे यहाँ पे फोस्टर किए हुए हैं, बाकी दूसरी जगह पे फोस्टर किए हुए, टोटल छह बच्चे हैं इनके, और इनके पेरेंट यहाँ ऊपर लगे हुए, ये फोस्टर किया हुआ यहाँ पे। ये जो मेल है वो ब्लैक फेस स्प्लिट ब्लैक विंग है और फीमेल जो है ब्लैक विंग स्प्लिट ब्लैक फेस है। ये जो भी चार दिखाए, अभी जो आपको चार दिखाए ये उनके भाई बहन है, इसमें से एक ये ब्लैक विंग और इंशाल्लाह ब्लैक फेस बन रहा है, ब्लैक विंग ब्लैक फेस माशाल्लाह, और देखते हैं बड़ा होता है क्या बनता है। ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत हेल्दी बच्चे हैं, ये जिस्म का जो रुआ है ना ये बताता है बच्चों की हेल्थ, और ये अच्छा माँ बाप ने खिलाया हुआ भी है इनको। भाई जी यहाँ पे लबड़ लगे हुए हैं, लबड़ के भी आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रेस दिखाते हैं माशाल्लाह से कैसी प्रोग्रेस आई हुई है। ये जो बच्चे हैं इनके पेरेंट जो है क्रीमिनो है और अल्बाइनो रेड आई के स्प्लिट है, इनके टोटल पांच अंडे आए हुए थे, तीन बच्चे यहाँ पर है और दो अंडे हमने फोस्टर किए हुए, और इसमें माशाल्लाह से रेड आई भी आए हुए हैं। माशाल्लाह से बच्चे अच्छे हैं, बच्चों का साइज भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, ये छोटे बच्चे, ये इनके पेरेंट्स है। शायद जो लगा हुआ है ये अल्बाइनो रेड आई का मेल है और क्रीमिनो की फीमेल। व्यूअर्स आप देख सकते हैं अगर दोनों पेरेंट्स रेड आईज होते हैं ना तो सारे बच्चे रेड आई आते हैं, तो आपने बॉक्स में देखा था सारे बच्चे रेड आई आए हुए थे। मेरा ख्याल है जब ये पेयरिंग लगती है तो सिर्फ आपके पास दो किस्म के बच्चे आते हैं, या तो आपके पास क्रीमिनो आएंगे या अल्बाइनो रेड आईज आएंगे, जब क्रीमिनो का पेयर अल्बाइनो रेड आई के साथ लगाया जाता है माशाल्लाह से। इसमें तीन बच्चे हैं, एक अल्बाइनो रेड आई का है, एक क्रीमिनो है और एक ब्लू फिशरी है। इसके पेरेंट जो है अपना पार ब्लू स्प्लिटिनो इनटू अल्बाइनो रेड आई। ठीक है, पेयर दिखाते हैं आपको व्यूअर्स, इनके पेरेंट्स कौन से हैं वो भी आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स अभी जो आपको बच्चे दिखाए थे वो बच्चे फोस्टर कर चुके हैं असल में ना, अभी इस पेयर ने दोबारा अंडे दे दिए हैं जो आपको भी बच्चे दिखाए थे। ये पेयर है मेल जो है पार ब्लू स्प्लिटिनो और फीमेल जो है अल्बाइनो रेड आई की है। ये कौन सा है? ये पेल फेलो है विजुअल में, और फीमेल जो इसके साथ लगाई है मैंने सादा पार ब्लू की लगाई है ताकि मेरे पास स्प्लिट आ जाए पेल फेलो के। वायलेट पार ब्लू है ये मेरे ख्याल में। जी जी माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी में। हाँ इन्होंने पहली लेइंग की थी, उनके अंडे मैंने फोस्टर कर दिए, माशाल्लाह से इन्होंने दूसरी लेइंग स्टार्ट कर दी है शायद, और ये आप देख सकते हैं कि इसमें तीन अंडे माशाल्लाह 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 के अंडों का साइज भी अच्छा है। और ये जैसे ईसीबी का जोड़ है। अच्छा ईसीबी मौजूद है आपके पास फोर सेल इस वक्त? हाँ मेरे पास है, बाहर जो फ्लाइंग केज लगे उसमें है मेरे पास। व्यूअर्स जितने भी यहाँ पे होगरोमो की म्यूटेशन लगी हुई है, एक्सीबिशन की लगी हुई है, वो सब फॉर सेल है। उसके आपको पट्टे भी मिल जाएंगे, आपको ब्रीडर पेयर भी मिल जाएंगे और रेडी टू ब्रीड भी मिल जाएंगे, ऐसा ही सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ब्लैक फेस का है, स्प्लिट ब्लैक विंग है, और ये जो फीमेल है ब्लैक विंग स्प्लिट ब्लैक फेस है, जिसके बच्चे आपको मैंने दिखाया था। जी जी। उसके नीचे जो जोड़ा लगा हुआ है ये दोनों स्प्लिट है, इसे डबल काम्बो कहते हैं, स्प्लिट ब्लैक फेस स्प्लिट ब्लैक विंग, ये पूरा जोड़ा इसी का ही है। इसकी ब्रीडिंग आई हुई है? जी इसके अंडे आए हुए, फोस्टर हो गए और माशाल्लाह से हैचिंग भी हो गई है। ठीक है ठीक है, अंडे आपने इसके फोस्टर कर दिए। जी जी, और इसके नीचे जो लगा हुआ है इसमें ब्लैक फेस की फीमेल है क्रस्टेड में होगो ब्रीड, और जो मेल है वो स्प्लिट ब्लैक फेस है होगो ब्रीड का, माशाल्लाह से इसके भी अंडे आए वो मैंने फोस्टर कर दिए, आज इसके अंडे मैंने फोस्टर किए हुए थे। तो आप देख सकते हैं अगर आप अंडों को फोस्टर करते हैं ना तो आपका जो मुनाफा है ना वो डबल हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर ये दो महीने में ब्रीड कर रहे हैं, मतलब अंडे देके बच्चे बड़े करके बॉक्स से बाहर निकालने हैं,
तो आप 2 महीने में 2 दफा भी ब्रीड ले सकते हैं, मतलब आपके पास 5 बच्चों के बजाय आपके पास 10 बच्चे भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। यही इस काम की खूबसूरती है और इस काम में इसी तरीके से मुनाफा आप ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं। अच्छा, ये जो फीमेल है ना, ये है स्प्लिट ब्लैक फेस, स्प्लिट ब्लैक विंग। इसके साथ मैंने मेल लगाया था ब्लैक विंग का, वो जो था स्प्लिट ब्लैक फेस था। माशाल्लाह से मेरे ये 4 साल हो गए मुझे इस हॉबी में। ये पहली फीमेल है जिसने मेरे पास 14 अंडे दिए और माशाल्लाह से सबके सब फर्टाइल हुए और अभी तक 7 से 8 बच्चे हैच हो चुके हैं। यानी मैंने वो 4-4 करके 3 जगह घुमा दिए मैंने। माशाल्लाह से ये ब्लड लाइन तो बहुत अच्छी हुई, तो इसे तो आपको सेल ही नहीं करनी चाहिए 14। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये जो रेयर म्यूटेशन है इनमें से मैं कुछ भी सेल नहीं कर रहा हूँ। ये जो ब्लैक फेस, ब्लैक विंग और ये जो डन फेलो है मेरे, ये मैं सेल नहीं कर रहा हूँ। ये मैं अपने अगले सीजन के लिए रख रहा हूँ। अगले सीजन के लिए आप रख रहे हैं, तो इससे अगले सीजन में ये अवेलेबल फॉर सेल होंगे, इनके पट्टे होंगे इंशाल्लाह। ओके, सभी भी मिल जाएंगे। जैसे ये सेल्फ हो जाएंगे, प्रॉपर सेल्फ हो जाएंगे, तो इनके भी बच्चे मिल जाएंगे। ठीक है, ब्रीडर पेयर्स अवेलेबल नहीं है फिलहाल, इन म्यूटेशन के बच्चे मिल जाएंगे पट्टे। हाँ, जो रेयर म्यूटेशन है वो अवेलेबल नहीं है, उनके पट्टे मिल जाएंगे। ओके, तो लगा हुआ एक जोड़ा, ये ब्लैक फेस का मेल है और ब्लैक विंग की फीमेल है। इनसे मैं बना रहा हूँ स्प्लिट, स्प्लिट ब्लैक फेस, स्प्लिट ब्लैक विंग। और ये माशाल्लाह से मेरे पास 3री ब्रीड कर रहे हैं अभी। ठीक है, इसके बच्चे मौजूद हैं या एक जाए हैं आप? ये सब सोल्ड हो गए। अच्छा, अब जो आएंगे बच्चे वो अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो बच्चे होंगे स्प्लिट, स्प्लिट ब्लैक फेस, स्प्लिट ब्लैक विंग। ठीक है, 2 बच्चे वहां पर दिए डन के। ठीक है, सर डन के जो प्राइस है अलग अलग है, कलर के ऊपर होता है। ठीक है, जो ग्रीन कलर में होता है वो बच्चा है आजकल 3-3.5 लाख का, जो ब्लू में होता है वो है 4-4.5 लाख का। माशाल्लाह से ये ग्रे कलर में मेरे पास आया हुआ है, और ये अभी 2 दिन पहले सेल्फ है, इसको मैंने फ्लाइंग केज में डाला है। इसके अलावा इसके भाई बहन है जो अभी सेल्फ नहीं हुए, वो अपने माँ बाप के साथ ही है। तो आपने इतना महंगा बच्चा फ्लाइंग केज में डाला हुआ है, तो ये लड़के कहीं इनको मार, इसको मार वगैरह तो नहीं देंगे? ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मारे एक दूसरे को बच्चे, लेकिन हो गया तो फिर नसीब की बात है जो किस्मत में। ठीक है गाइस, ये आप देख सकते हैं डन फेलो का बच्चा है माशाल्लाह से, 3-3.5 लाख रुपए तक इसकी प्राइस है। ये अंदर बैठा हुआ है और देख ब्लैक फेस भी है, कोने में बैठा हुआ है, अंदर बैठा हुआ है। ईसीबी की रेडी फीमेल भी मौजूद है यहाँ पर और अच्छे फ्लावर में रिसेप्टिव पाइट भी मौजूद है। एक्चुअली ये रिसेसिव पाइड नहीं है, ये ब्लैक फेस का स्प्लिट है डबल फ्लावर में। अच्छा, ये रिसेसिव पाइड में निकला है, लेकिन ये ब्लैक फेस का स्प्लिट है डबल फ्लावर का। माशाल्लाह से क्वालिटी फ्लावर में आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी जो आपको मैंने दिखाई थी वो फीमेल अकेली इतने 14 अंडे दिए। ठीक है, उस ये मेल इसके साथ लगा हुआ था, ब्लैक विंग का मेल है, स्प्लिट ब्लैक फेस है ये। मैंने दोनों को साथ रखा था, तो ये मेल जो है इसको वापस से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था और फीमेल दे नहीं रही है, तो ये उसको मार रहा था, तो मैंने मेल को अलग कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सही किया आपने। और फीमेल वहाँ पे रेस्ट कर रही है, तो जब वो 15 दिन हो जाएगा फिर मेल को फिर से डाल दूंगा मैं। बहुत बड़े साइज का यहाँ पर फ्लाइंग केज मौजूद है, जितने भी इनके पास ब्रीड से पट्टे निकल कर आते हैं ना, ये सारे पट्टे जो है वो फ्लाइंग केज में छोड़ देते हैं, इससे उनके साइज भी इम्प्रूव होता है तमाम पट्टों का, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और वो खाते पीते भी अच्छे हैं। जाहिर सी बात है, जब वो उड़ेंगे, हजम करेंगे खाना, तो फिर अच्छा खाएंगे और उनकी सेहत बनेगी। इसमें सारे मिक्स होते हैं, पीसी भी है, फेलो है, ग्रीन है, रिसेसिव पाइड है। अभी तो बहुत सारे सेल हो गए, ये कम हो गए मेरे पास, वरना ये सारे केज फुल भरे हुए थे। लोग आते रहते हैं, अपनी मर्जी से पसंद करते हैं और लेते जाते हैं। अच्छा, ये जो है मेरा बेबी फ्लाइंग है, जो बच्चे सेल्फ होते हैं पहले यहाँ पे आते हैं, हफ्ता 10 दिन यहाँ रहते हैं, और ये केज जो है रोज सुबह को गैलरी में जाता है, सब बच्चों को दूध खिलाते हैं हम, आधा घंटा 1 घंटा दूध के हिसाब से, फिर ये यहाँ से जब बड़े हो जाते हैं फिर बड़ी फ्लाइंग में जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैंने आपको करीम भाई के सेटअप का विजिट करवाया कि AG 931 गार्डन कराची की इनकी लोकेशन है। इनके पास बजीज में कुछ बर्ड्स मौजूद हैं फॉर सेल, स्पेशली होगोरोमोस में, एक्सिबिशंस में। होगोरोमोस में इनके पास लोटीनो, रिसेसिव पाइट, डोमिनेंट पाइट, लेमन TCB, वाइट TCB, इसके अलावा सिंपल होगोरोमोस भी आपको इनके पास मिल जाएंगे। आप इनके शोरूम पे जाके विजिट कर सकते हैं और जो चीज़ आपको पसंद आए आप जाके तसल्ली से पसंद कर ले सकते हैं। करीम भाई का व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर रहा हूँ, आप इनसे कांटेक्ट करें, जस्ट व्हाट्सएप पे इनको मैसेज छोड़ दें कि हमें ये बर्ड्स चाहिए, या आपसे खुद कांटेक्ट कर लेंगे, आपको रिप्लाई कर देंगे।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।